मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार की व्यवस्था पर बड़ा आरोप लगाया है। गुरुवार को पटवारी ने राज्य पर बढ़ते कर्ज का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे हालात देखकर लगता है कि कहीं प्रदेश श्रीलंका बनने की राह पर तो आगे नहीं बढ़ रहा है। पटवारी ने आरोप लगाया कि राज्य कर्ज में डूबता जा रहा है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति लगभग 45,000 रुपए का कर्ज है। सरकार हर महीने कर्ज लेती है। उन्होंने कहा कि राज्य में ब्याज देने, इवेंट आयोजित करने और विज्ञापन देने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। यहाँ तक कि नया कर्ज लेने की योजना बनाने के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है। कांग्रेस को डर है कि कहीं मध्य प्रदेश श्रीलंका बनने की राह पर तो नहीं आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के मशहूर व्यापम घोटाले को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है, लेकिन अब राज्य के सामने एक अजीबोगरीब स्कैम ने सभी का ध्यान खींचा है। जी हां, अब एमपी में विवाह घोटाला की चर्चा हो रही है। पैसाखोरों ने प्रदेश में शादी विवाह को भी लूट का जरिया बना लिया। अनुमान है कि शिवराज सरकार की एक चर्चित योजना में फर्जीगिरी कर करोड़ों रुपए का गबन कर लिया गया। बताया जा रहा है कि शादी घोटाले को भी बड़ी ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया है। अब प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी विस्तृत जांच शुरू की है। इस घोटाले को COVID-19 वेडिंग स्कैम भी कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में अब AIMIM की एंट्री हो गई है। असुद्दीन ओबेसी की पार्टी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगी। पार्टी प्रमुख ओबेसी ने ऐलान किया है कि AIMIM मध्य प्रदेश के 7 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा और रतलाम में निकाय चुनाव लड़ेगी। हैदराबाद समेत कई दक्षिणी राज्यों में अब अपनी पैठ बना चुकी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब हिंदी भाषी राज्यों में पहुंच बढ़ा रही है। बिहार के बाद अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी AIMIM मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव में अपने भविष्य को तलाशने की कोशिश कर रही है। सिंहस्थ की तर्ज पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को चलित भस्म आरती में प्रवेश मिलेगा। महाकाल मंदिर समिति ने यह फैसला लिया है। भस्म आरती का रजिस्ट्रेशन करने से जो श्रद्धालु रह जाएंगे उन्हें कार्तिकेय मंडपम की अंतिम दो पंक्तियों में चलित भस्म आरती में प्रवेश दिया जाएगा। फिलहाल प्रयोग के तौर पर 7 दिनों तक व्यवस्थाओं को देखा जाएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में देश भर से श्रद्धालु बाबा महाकाल की अल सुबह होने वाली भस्म आरती के लिए पहुंचते हैं। महाकाल मंदिर समिति द्वारा भस्म आरती में श्रद्धालुओं को शामिल होने के लिए मंदिर समिति द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन परमिशन लेनी पड़ती है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने 6 IPS अफसरों का तबादला कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के IG आशुतोष राय को हटाया गया है। अब संजय कुमार को यह जिम्मेदारी दी गई है। संजय कुमार अभी IG के तौर पर पोस्टेड हैं। इस बदलाव के दौरान 3 पुलिस अधीक्षकों का भी तबादला किया गया है। अवधेश कुमार गोस्वामी को राजगढ़ का SP बनाया गया है। इन्हें प्रदीप शर्मा की जगह पर लाया गया है। प्रदीप शर्मा को 14वीं बटालियन ग्वालियर का कमांडेंट बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।